हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे पता किया गया, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन्स है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, और जो प्रोटॉन्स है उसके लिए जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी चार्ज और मास का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। तो अब ये चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो चुकी थी और ये भी पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है और पार्टिकल है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, भले नेग्लिजिबल मास होगा बट होगा ना मास। तो उसी को ही अब यहाँ पर डिस्कवरी किया जा रहा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, जिसे E/M रेशियो भी बोला जाता है। तो ये किसने किया? ये भी जे.जे. थॉमसन सर ने ही किया था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप रखा था। यहाँ पर से ये कैथोड रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, ये कैथोड और ये एनोड, इधर से कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी और कैथोड रेस के पाथ पर ही उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये दोनों को परपेंडिकुलर अप्लाई किया। ठीक, यहाँ पर जब इन दोनों को परपेंडिकुलर अप्लाई किया और यहाँ सामने पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा जो कि जिंक सल्फाइड का ही बना हुआ था, और इस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेस किस पॉइंट पर जा किस साइड डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किस पॉइंट पर की तरफ जाती है, किस साइड डिफ्लेक्ट होती है, और जब दोनों ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर उनका डिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो ये सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया और उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन के बाद उन्होंने बताया कि E/M रेशियो कितना होता है। ठीक, तो फॉर दिस ही सब्जेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एज कैथोड रेस टू द इन्फ्लुएंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज वर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वन अनादर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं हम। ठीक, तो इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। तो सिर्फ जब यहाँ पर क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो जो कैथोड रेस थे मीन्स जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस साइड डेविएट हो गए, ए, इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गए, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होके उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक ए पॉइंट है वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हिट्स द स्क्रीन एट पॉइंट बी, और जब ये दोनों ही फील्ड नहीं थे, ठीक, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एक बार हटा दिया दोनों फील्ड को, तो व्हेन बोथ द फील्ड इज एब्सेंट दीज इलेक्ट्रॉन रेज आर स्ट्राइक ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो जो कैथोड रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो गई किस साइड, इधर, और वहां उन्होंने पॉइंट सी पर जो रेस थी वो पॉइंट सी पर जाकर के स्ट्राइक हुई। ठीक, तो ये जो उनके तीन ऑब्जर्वेशन से, नाउ फ्रॉम द अबो एक्सपेरिमेंट जे.जे. थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो, और ये उन्होंने कैलकुलेशन के थ्रू अपना डिटरमाइन किया। ठीक, तो और ये वैल्यू कितनी आई, 1.758820 × 10^11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.76, ये जो 58 है उसको हमने राउंड अप करके क्या लिख लिया, 56 × 10^11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। तो ये जो E/M रेशियो था वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया, और कितना डिटरमाइन किया, 1.76 × 10^11 कूलाम किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, और जहां पर ये जो E है, ये E क्या है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो ये Me है इन किलोग्राम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर फर्दर द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट विद डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, तो ये जो एक्सपेरिमेंट एक
एक सिंपल है गैस के लिए किया गया, फिर जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिए गए तो उनके लिए भी जो ये E by M की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी सब्सटेंस एवरी गैस इज मेड अप विथ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड उस विच कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हर गैस में, ठीक, और वो सेम टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन। और उस क्योंकि सेम अगर E by M रेशियो जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी में सेम है। ठीक, द फर्दर एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट विद डिफरेंट गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब बट स्पेसिफिक चार्ज और E by M रेशियो रिमेन द सेम। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये तो E by M रेशियो मिल गया, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो मिल गया। अब सिर्फ इस पर चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया गया और फिर उसके बाद उसका मास कैसे डिटरमाइन हुआ वहां पर। ठीक, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे तो एक साइंटिस्ट थे आर ए मिलिकन। तो आर ए मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका ऑयल उनका एक ऑयल ड्रॉप मेथड था। ठीक, तो इस ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का डिटरमाइन किया, और उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम, और इसे ही बोला जाता है 1 यूनिट चार्ज बोला जाता है। तो हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप मेथड आपके कोर्स में नहीं है, आपको स्टडी नहीं करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये चार्ज हमें पता कहाँ से चला। तो ये हमें कहाँ से पता चला, आर ए मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड था, उस ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये आइडेंटिफाई किया। ठीक, तो कितना होता है 1.6 माइनस 1.6, जो माइनस होता है वो ये बता रहे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेचर में कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो 1 माइनस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम, और ये किसके इक्वल होता है, इसी को ही बोला जाता है 1 यूनिट चार्ज। अब हमारे पास क्या है, ई रेशियो ई की वैल्यू है और ई बाई एम का वैल्यू वो कितना था 1.76 इंटू 10 to the power 11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो E अपॉन E by M means 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम अपॉन 1.76 इंटू 10 to the power 11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये E इंटू M, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी मिलती है m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। तो हमारे पास चार्ज भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम, और अगर ग्राम में लिखना है तो 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको, नोट कर लिया आपने, चलिए ये क्लियर कि वहां इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर मास ये कैसे डिटरमाइन किया गया। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मींस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम एंड नेग्लिजिबल मास 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम विच इज 1/1837th ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कैरीज अ यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम एंड अ नेग्लिजिबल मास 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम विच इज 1/1837th ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको।
तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्लियर हो गया कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, इन जेजे थॉमसन सर ने किया था, कब किया था, इन 1897। इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम माइनस साइन के साथ, और इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम और 9.1 × 10⁻²¹ ग्राम्स। क्लियर। अब भी देखते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ओके एक और टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रॉन एज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक यूनिवर्सल पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर आप उसको किसी भी मेथड के थ्रू एमिट करते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत से सोर्सेस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकता है, जैसे कि फ्रॉम अ हीटेड मेटल फिलामेंट बाय एक्सपोजिंग एक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम टू अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत से मैथड से, वेरियस मैथड्स से जो इजेक्ट हो सकता है एंड वेरियस सोर्सेस से इजेक्ट हो सकता है, बट वहां जहां से भी ये इजेक्ट होगा उसके लिए इसका मास और जो चार्ज है वो सेम रहता है। मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर सब्सटेंस में जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड यूनिवर्सल पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब सोचा कैसे कि वहां पर, कि उनके दिमाग में कैसे आया कि वहां पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट होगा जो कि क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो वहां पर जो साइंटिस्ट थे उनको पहले से ही पता था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा, मींस वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तभी तो वो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो सर जो गोल्डस्टाइन थे, गोल्डस्टाइन सर ने ये उनके उन्हें ये आइडिया आया कि अगर वहां इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका है तो वहां पर एक और पार्टिकल जरूर ही प्रेजेंट होगा, और इसकी डिस्कवरी करने के लिए, उसको देखने के लिए वहां पर सच में कोई पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं, इसको देखने के लिए उन्होंने ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसको फिर से दोहराया, और उसमें वहां उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रेशर था उसको और लो कर दिया। ठीक, तो जब प्रेशर उन्होंने और लो कर दिया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कैथोड रे का, तो एनोड की साइड से भी एक रेज निकलती है जो किधर जाती है, कैथोड की तरफ जाती है, और हमें एक ग्लो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं रेज को क्या बोला जाता है, एनोड रेज बोला जाता है। तो ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इट वॉज फाउंड दैट सम rays were coming from the side of anode which passed through the holes in the cathode and produced fluorescence on the opposite glass wall coated with zinc sulfide, and these rays were called anode rays or canal rays because these rays are passed through between the cathode mein jo wahan pe beech beech mein holes rehte hain, cathode canals ke beech se pass hoti hain, और पॉजिटिव रेस बिकॉज दे वर फाउंड टू कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो कैथोड रेस था वो कैसे, सॉरी जो एनोड रेस था, जो एनोड रेस है, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, वो कैसे वहां पर खुद सोचा गया, क्योंकि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एक पार्टिकल की तो डिस्कवरी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि वहां पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और उसकी डिस्कवरी करने के लिए जो सर गोल्डस्टाइन थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, और उन्होंने देखा कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाई द अनदर रेज इज पास्ड थ्रू एनोड, एनोड्स के पास होती है, पास्ड बाय एनोड थ्रू कैथोड, कैथोड की तरफ वो जाती है, और अगर यहाँ पर जो ग्लास है, जो गैस ट्यूब है, उस ट्यूब के सरफेस पर अगर जिंक सल्फाइड से कवर होगा, कोटेड होगा, तो वहां पर क्या होगा, फ्लोरोसेंट हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एनोड से भी एक रेज निकल रही है जो किधर जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है, और वहां पर एक फ्लोरोसेंट जो हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब देखते हैं इनकी कुछ ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। तो ओरिजिन, ये ओरिजिनेट कैसे हुई, ये जो एनोड रेज है वो एनोड से ओरिजिन नहीं हुई है, देखते हैं कैसे हुई है। तो दीज रेज आर बिलीव्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ द कैथोड रे ऑन देम. तो यहाँ पर जब गैसियस एटम्स थे, जो गैसियस एटम कैथोड रेस के टाइम पर जो गैसियस एटम्स लिए गए थे, तो उन गैसियस एटम्स पर जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, तो ये जो एटम्स थे वो बम्बार्ड होके किसमें चेंज हो गए, आयन्स में, पॉजिटिव आयन्स में, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नॉकआउट हो गए. तो इन इलेक्ट्रॉन्स के नॉकआउट होने के बाद तो ये जो आयन्स बचे हुए थे यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स, तो इन्हीं पॉजिटिव आयन्स के थ्रू किसका प्रोडक्शन हुआ, कौन प्रोड्यूस हुआ, कैथोड रे प्रोड्यूस हुई. दस एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द एनोड. तो लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि एनोड रेज मीन्स एनोड से एमिट हुआ होगा, बट दीज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड, आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. ठीक, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो हमने कैथोड रेज के टाइम पर जो कैथोड से इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे, तो जो हाई स्पीड पार्टिकल्स और गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच जब बम्बार्डमेंट हुआ था, तो बम्बार्डमेंट के टाइम पर क्या हुआ था, एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे, नॉकआउट हो गए थे. नॉकआउट होने के बाद ये जो आयन्स बचे हुए थे पॉजिटिव आयन्स, तो यही पॉजिटिव आयन्स कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोड सॉरी एनोड और कैथोड के बीच. और यही जो रेज होती है वो किधर जाती है, एनोड से निकल के कहाँ जाती है, वो एनोड से कैथोड की तरफ हमें जाती हुई ऑब्जर्व होती है, और इनको ही बोला जाता है एनोड रेज बोला जाता है. क्लियर. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस. तो कैथोड रेस के सिमिलरली एनोड रेस की भी वैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं. तो एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली कैथोड रेस ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट है एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल्स, दे रोटेट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. तो जैसे कैथोड रेज भी क्या कर रही थी, जो लाइट पैडल व्हील्स थी उनको रोटेट कर दे रही थी, तो सिमिलरली जो एनोड रेज होती हैं वो भी जो लाइट पैडल व्हील्स होती हैं उनको रोटेट कर देती हैं. नेक्स्ट है एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस इन अपोजिट ऑफ द डिफ्लेक्शन नोटिस्ड बाय द कैथोड रेज. दिस शोज दैट द एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. तो जब आप एनोड रेस को पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मीन्स एनोड रेस पास होते रहेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे होंगे, मीन्स एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. तो वहां पर क्या हुआ था, कैथोड रेस में वो पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था. ठीक, तो यहाँ पर ये जो एनोड रेस होंगी वो एनोड रेस किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एनोड रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी. और इनका नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना ही हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि ये जो रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है. ये तो पहले पता चल गया कि उन्होंने पैडल को रोटेट किया, तो ये इसमें कुछ मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अब ये मटेरियल पार्टिकल्स किस नेचर के, ये कैसे पता चला कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो किस तरफ डेविएट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ. तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो गया वहां पे, तो वो किधर चले गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिससे हमें पता चल गया कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एनोड रेज बना हुआ है वो किस नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं. ठीक, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द एटम्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. तो ये जो चार्ज होता है, पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उन पे कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है. हो सकता है कि अगर आपने कोई गैस लिया है, वो गैस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर हम दूसरा एटम होगा, अगर कोई दूसरा गैस लेते हैं, अगर उसकी टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन एमिट करने की होगी, तो वो दो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा होगा. तो यहाँ पर जो गैसेस, जो वहां पर पार्टिकल्स होते हैं जो बने हुए होते हैं, जिनसे एनोड रेज बना हुआ होता है, उन पर जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है. और जनरली ये होल नंबर मल्टीपल होता है किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का. ठीक, तो यहाँ पर देखिए the nature of gas and however it is found to be whole number multiple of the charge on electron but with positive sign. ठीक है, तो these particle, thus the particle constituting anode ray may carry 1, 2, 3 so on units of positive charge depending upon the number of electrons knocked out from the gaseous atoms. Clear? तो यहाँ पर जो charge होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन एनोड पार्टिकल्स, पॉजिटिव
चार्ज किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस किस नेचर का है। वो एक इलेक्ट्रॉन निमीट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, कि दो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को किया तो सिर्फ वन यूनिट चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन को किया तो टू चार्ज होंगे, टू यूनिट चार्ज होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो E बाई एम की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ E बाई एम रेशियो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि वहां पर जिस तरह चार्ज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा था, उसी तरह यहाँ जो मास होता है E बाई एम रेशियो के लिए जो मास होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मास ऑब्जर्व होता है। और ये जो मास होता है वो जनरली इक्वल होता है गैस के एटॉमिक मास के इक्वल। तो हमें E बाई एम की रेशियो भी बहुत अलग अलग मिलने लग गई थी। फिर इसे सबसे लाइट गैस हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया गया। तो हाइड्रोजन के लिए जो चार्ज ऑब्जर्व हुआ, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये एक एटम निकल गया। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट एटम होता है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो एच प्लस आयन बना, इसी एच प्लस आयन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक, और इसके लिए इस पर जो चार्ज था, इस H प्लस पर जो चार्ज था वो कितना ऑब्जर्व किया गया, 1 यूनिट, मींस 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इसके लिए जो E बाई एम वैल्यू है वो कितना मिला हमें, 9.5 × 10⁴ कूलम पर किलोग्राम। और इनके इनसे जो मास मिला वो कितना मिला, तो 1.67 × 10⁻²⁴ kg। तो जो है हाइड्रोजन है वो सबसे लाइटेस्ट एटम है, तो इससे जो बना, इससे जो आयंस बना, मींस वही क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, सिंगल प्रोटॉन होगा जिस पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस पर जितना चार्ज होता है उतना ही सारे प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन का मास कितना कंसीडर किया गया, कितना आया, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक, तो आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, फिर रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।